हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पेट्रोमाइजोन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी सी लैम्प्रे, और पिछले वीडियो में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। आज के वीडियो में हम रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, पेट्रोमाइजोन का रिप्रोडक्शन कैसा होता है उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट चीज़ आप यहाँ पर लिख लो कि यहाँ पर जो सेक्सेस है वो सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। ओके, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे गोनैड है वो अनपेयर्ड होता है। ये चीज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो गोनैड्स हैं वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड। गोनैड्स आर अनपेयर्ड, पेयरिंग नहीं होती है गोनैड्स की, ठीक है। तो सेक्सेस आर सेपरेट एंड गोनैड्स आर अनपेयर्ड। अब जो ये अनपेयर्ड गोनैड्स हैं, ये बेसिकली जो किडनी था, जो मेसोनेफ्रिक किडनी का पार्ट था, उसका मिडिल पोर्शन पूरा जो है, पूरी जो बॉडी कैविटी है ये गोनैड्स घेर के रखते हैं। पूरी बॉडी कैविटी का जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ पे गोनैड्स उसको घेर के रखते हैं, उस जगह को गोनैड्स प्रेजेंट रहते हैं उस जगह पर। उसके बाद अगर अपन बात करें कि जो जर्म सेल हैं, जो प्रिमिटिव जर्म सेल हैं, प्री मेच्योर जर्म सेल्स जो है अभी यहाँ पे, जिनको स्पर्म या फिर ओवा में कन्वर्ट होना है, वो जर्म सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो जर्म सेल्स एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जो गोनैड्स हैं वहाँ पे माइग्रेट करते हैं। गोनैड्स जो प्रेजेंट रहते हैं तो वहाँ पे रिजेस बनते हैं। रिजेस बनने का मतलब एक तरह से चोटी बनती है, मतलब ये गोनैड्स प्रेजेंट, फिर और गोनैड्स प्रेजेंट, फिर और ऐसे गोनैड्स प्रेजेंट, ऐसे करके जो गोनैड्स प्रेजेंट हो रहे हैं ना एक 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 एक, तो यहाँ पे जो चोटी बन रही है वो है रिजेस। वहाँ पे पहुँचते हैं ये जो जर्म सेल्स होते हैं, प्रीमेच्योर जर्म सेल्स, वो पहुँचते हैं इन रिजेस पे, ठीक है। गोनैड्स के पास ये जो जर्म सेल्स हैं ये जाते हैं। उसके बाद क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो जर्म सेल्स हैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है किसमें, स्पर्म में या फिर ओवा में, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अगर इसकी बात करें अपन जर्म सेल की, तो माइग्रेट होने के बाद ये गोनैड्स में जब माइग्रेट हो जाते हैं उसके बाद इनके ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये जो डिफरेंशिएशन में टाइम लगता है वहाँ पे, उस कारण से ये जो गोनैड्स हैं बेसिकली यहाँ पे हो जाते हैं हर्माफ्रोडाइट नेचर के। किस नेचर के हो जाते हैं, हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर ही प्रेजेंट होगा। मतलब ये जो गोनैड्स है, जब तक बोला जाए तो जब तक ये जर्म सेल्स हैं, ये अभी फुल्ली ये पता नहीं चला है कि ये स्पर्म में कन्वर्ट होंगे ओवा, और गोनैड्स के पास कैपेबिलिटी है क्योंकि गोनैड्स हर्माफ्रोडाइट है, मतलब ये स्पर्म भी बना सकता है और ये ओवा भी बना सकता है। मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इस कारण से जो लेट लगता है जर्म सेल्स को कन्वर्ट होने में या फिर ट्रांसफॉर्म होने में, तो यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट नेचर जो है, जब जर्म सेल्स कन्वर्ट होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, तब ये जो है कुछ को स्पर्म बनाएगा, कुछ को ओवा, डिपेंड करता है कि टेस्टिस से कौन आ रहा है और ओवरी से कौन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो क्या कहते हैं सेक्स सेल्स हैं, बेसिकली ये बॉडी कैविटी जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे बाहर निकलते हैं। पर उसके पहले इससे हम देखें कि जब हर्माफ्रोडाइट नेचर का होता है उस कारण से क्या होता है कि टेस्टिस जो प्रेजेंट रहता है, टेस्टिस जो प्रेजेंट रहता है वो बेसिकली क्या कंटेन करता है, यहाँ पे मेल गैमेट। टेस्टिस जो यहाँ प्रेजेंट रहता है वो मेल गैमेट यहाँ पे कंसिस्ट करता है, और मेल गैमेट को ये बॉडी कैविटी में छोड़ देता है, लिबरेट गैमेट इनटू बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी में जो ये गैमेट है उसको छोड़ देता है, और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ओवरी। ओवरी के पास क्या है, फीमेल गैमेट है। ओवरी के पास क्या है,
फीमेल गैमिट है। ये जो फीमेल गैमिट है इसका क्या होता है, फीमेल गैमिट जो है हाँ फीमेल गैमिट जो है बेसिकली क्या होता है, इसको भी बॉडी कैविटी में छोड़ दिया जाता है, सेम बॉडी कैविटी में। तो दोनों क्या हुआ, अभी अपन ने देखा कि जो गोनेट्स हैं पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, पूरे कैविटी को ढक के इन्होंने रखा है, पर जो बेसिक कुछ स्पेस बचता है उसमें मेल और फीमेल गैमिट जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। मेल और फीमेल गैमिट जब वहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाता है, उसके बाद मेल फीमेल गैमिट डिसाइड कैसे कर रहे हैं, टेस्टिस से आ रहा है वो मेल गैमिट है, ओवरी से आ रहा है फीमेल गैमिट है, स्पर्म है ओवा है, ठीक है, उस तरह से हम डिसाइड कर रहे हैं या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जब बाहर ये निकल जाता है कैविटी में, जब बॉडी कैविटी में मेल और फीमेल गैमिट आ गए, उसके बाद एब्डोमिनल पोर से जो बॉडी के साइड में एब्डोमिनल पोर्स है, इन पोर्स के द्वारा ये जो गैमिट है वो आउटर एनवायरनमेंट में निकल जाते हैं, इस पोर के द्वारा गैमेट्स लिबरेटेड इनटू आउटर स्पेस। और आउटर स्पेस पेट्रोमाइजन के केस में क्या होता है, पानी, पानी में ये चले जाते हैं, और चूंकि पानी में चले जाते हैं इस एब्डोमिनल पोर के द्वारा, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो बेसिकली यहाँ पे एक्सटर्नल होगा, फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे एक्सटर्नल होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर तो कोई फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, मेल फीमेल गैमिट बना, गैमिट बॉडी कैविटी में आया, बॉडी कैविटी से वो एब्डोमिनल पोर के थ्रू बाहर चला गया, तो बाहर जाने के बाद उनका फ्यूज़न होगा, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो शरीर के बाहर होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो यहाँ पे जो एग्स है वो एग्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे एक फॉलिकुलर एपिथेलियन से, मतलब फॉलिकुलर एपिथेलियन टिश्यू से के एक लेयर से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। जो ओवरी में एग्स है, ओवरी है उसमें क्या है, एग्स जो है या मतलब फीमेल आपका गैमिट जो है, फीमेल गैमिट रिप्रोडक्टिव गैमिट जो है वो एक फॉलिकुलर एपिथेलियम टिश्यू या फॉलिकुलर एपिथेलियम की लेयर जो है उससे ये घिरा रहता है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह इसको घेर के रखती है, ठीक है। उसके बाद जब ये एग राइप होते हैं, राइप इन द सेंस ये जो एग्स हैं फीमेल के वो जब मैच्योर होते हैं उसके बाद इनको छोड़ा जाता है, ये जब दोनों मैच्योर होते हैं तब इनको बॉडी कैविटी में छोड़ा जाता है। ये जो पोर्स है एब्डोमिनल पोर्स, ये स्पॉनिंग के कुछ ही समय पहले, कुछ वीक्स पहले ही ओपन होते हैं। ये जो एब्डोमिनल पोर है ये ओपन्स फ्यू वीक्स बिफोर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब अंडे देना, एग ले करना, ठीक है, एग लेइंग को या अंडे देने को स्पॉनिंग बोलते हैं। तो ये था बेसिक रिप्रोडक्शन की, हमने क्या, बहुत सिंपल सा है, कुछ खास इसमें पेचीदा नहीं है, कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं, गोनेट्स जो है अनपेयर्ड होते हैं, पूरे बॉडी कैविटी में गोनेट्स भरे रहते हैं। अब उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो जर्म सेल्स हैं उनको मैच्योर होने में काफ़ी समय लगता है, डिफ्रेंशिएट होने में काफ़ी समय लगता है, और यहाँ पे जो गोनेट्स है वो हर्माफ्रोडाइट नेचर शो करते हैं, कि जर्म सेल्स से अब ये क्या करते हैं, जो हर्माफ्रोडाइट नेचर शो करने का मतलब स्पर्म और ओवा दोनों का निर्माण करना, एक ही बॉडी में स्पर्म भी बन रहा है, एक ही बॉडी में ओवा भी बन रहा है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमिट दोनों बन रहे हैं एब्डोमिनल पोर के द्वारा, सबसे पहले मेल और फीमेल गैमिट बने, मैच्योर होने के बाद वो बॉडी कैविटी में आ जाते हैं, बॉडी कैविटी के द्वारा जो एब्डोमिनल पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनके द्वारा निकल जाते हैं। ये जो एब्डोमिनल पोर्स है ये स्पॉनिंग के कुछ हफ्तों पहले ही खुलते हैं, और जब तक ये नहीं खुलेंगे तब तक बाहर नहीं जाया जा सकता, तो स्पॉनिंग के कुछ ही हफ्तों पहले ये खुलते हैं, और खुलने के बाद जो मैच्योर्ड मेल और फीमेल गैमिट है वो पानी में चले जाते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक आपका रिप्रोडक्शन इन पेट्रोमाइजोन, जहाँ पे हमने देख लिया किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, चूँकि एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो पानी के बाद अंदर चले गए तो वहाँ पे इनका फ्यूजन होगा, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा।
ठीक है। तो ये बेसिक सिंपल सा था आपका रिप्रोडक्शन इन पेट्रोबाइजोन। उसके आगे हमें अब एक फाइनल टॉपिक नहीं, और भी टॉपिक्स हैं, नर्वस सिस्टम बच रहा है और डेवलपमेंट भी है, ये दोनों हम लोग को पढ़ना है, और इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स है वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। सो आज का वीडियो हम यहाँ क्लोज करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।